दोस्तों, अगर आप BA इंट्रेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से BA इंट्रेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले 24 जो है कि इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग करते हुए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो पहले का सही आंसर होगा दोस्तों सी, डैग और ड्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, HTML का अर्थ है, HTML का अर्थ है तो क्या अर्थ होगा दोस्तों, बताना है आपको दूसरे का। तो सही आंसर होगा आपका बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लूटूथ या सर्वर। प्रश्न नंबर 3, तो वायरस भी जो है कंप्यूटर में होते हैं, सर्वर भी होता है और ब्लूटूथ, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि करेक्ट होगा, कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है, वायरस बैक्टीरिया। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप करने के लिए जो है कि सामान्य प्रयुक्त होता है, यानी कि दोस्तों टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सामान्य प्रयुक्त होता है चिट्ठी टाइप करने के लिए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए चौथे का। तो MS Excel में जो कि सबसे आसान होता है टाइपिंग करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होगा, भारत का स्वदेश विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, पांचवें का। सही आंसर होगा आपका ए, तेजस। अगला प्रश्न है कोबोल, कोबोल किसका प्रतीक है, तो आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सही आंसर बताइए कमेंट करके। छठे का सही आंसर होगा आपका बी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो भी आंसर आप लोग को आएगा नीचे कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, सातवां देखिए, सुपर कंप्यूटर तैनहे दो किस देश से जो है कि संबंधित है, सातवां, तो तैनहे संबंधित है चीन से। आठवां का बताइए, RAM यानी कि दोस्तों रैम का पूर्ण रूप है, यानी कि दोस्तों उसका पूरा नाम क्या है पूछ रहा है रैम का, आठवें का। तो सही आंसर आपका होगा ए, रीड एक्सेस मेमोरी, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए नौवें का बताइए, कंप्यूटर मेमोरी को निर्देशित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, नौवां। तो सही आंसर होगा आपका डी, रैम का, करेक्ट है ना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों दसवां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भाग नहीं, दसवां। सही आंसर होगा आपका डी, आउटलुक। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, नंबर 11। सही आंसर होगा आपका ए, क्रीपर। बारहवां प्रश्न देखेंगे, ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है, ली हार्ड वायरस जो होता है किस फाइल को प्रभावित करता है, कमांड.com को।
अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक चर्चित वायरस। तेरहवें का सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि यहाँ पे एक करेक्ट होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन में अच्छे से देखना है, जो चारों विकल्प दिया हुआ है उसको भी आपको अच्छे से रीड करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क तथा DOS में पाए जाने वाला वायरस है। चौदहवें का तो सही आंसर होगा आपका ए, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जहां वायरस सस्पेक्ट फाइलों को रखा जाता है उसे फोल्डर को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। पंद्रहवें का तो सही आंसर होगा आपका यहां पे सी, ए और बी दोनों, ठीक है। सोलहवां बताइए, स्पेस दिया हुआ है, के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर को वायरस के प्रवेश से रोकना तथा फैलने से बचाया जाता है। क्या प्रयोग करके जो है कंप्यूटर को जो है कि वायरस में प्रवेश से रोका जा सकता है, पूछ रहा है यहाँ पे आपको सोलहवां में। तो सही आंसर होगा दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सत्रह नंबर बताइए, अरपेंट, ठीक है दोस्तों, अरपनेट ने किस वायरस का पता लगाया। सत्रहवें का सही आंसर होगा क्रीपर, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न होगा अठारहवां, निमादा वायरस का पता लगाया गया किस सन में। निमादा वायरस, ओनली जो है कि इस वीडियो में ओनली कंप्यूटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे आपसे। निमादा वायरस का पता किस सन में लगाया गया बताइए, 18। तो सही आंसर होगा आपका बी, सन 2001 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर वायरस है, जो कंप्यूटर के लिए वायरस होता है तो निम्न में से कौन सा है, पूछ रहा है। 19 नंबर सही आंसर होगा आपका ए, सेंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है क्या चीज पहचानने के लिए। बिसावा, तो वायरस पहचानने के लिए किया जाता है सिग्नेचर, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे हम, नंबर 21, प्रथम बूट सेक्टर वायरस है। नंबर 21, प्रथम बूट सेक्टर वायरस है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, ब्रेन। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 22, तो सही आंसर होगा आपका बी, ईमेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गूगल का URL है, तो गूगल का URL क्या है। नंबर 23, तो सही आंसर होगा आपका सी। अब अगर गूगल पर जाते हैं तो आप सर्च करने से पहले आपको कुछ इस तरह से दिखाता है, आप उसको क्या करते हैं बैक करके फिर आपको जो सर्च करना होता है वो आप वहां पे सर्च करते हैं। ये जो है गूगल का URL है, ठीक है, यानी कि लिंक बोलते हैं। अगला प्रश्न, मम्मा है क्या है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है मम्मा, ठीक है। 24वें क्या बताइए, तो एक सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पे करेक्ट होगा 24वें का, ठीक है। दो और सवाल हैं इसमें देखेंगे हम लोग। 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है। नंबर 25,
तो सही आंसर होगा आपका डी। जितने डी कमेंट किए सबका सही होगा ये सभी, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 26वां, ब्लू रे डिस्क में किस प्रकार की लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लू रे डिस्क होती है उसमें किस प्रकार का जो है कि लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है यहाँ पे 26वें का, तो इनमें से कोई नहीं है वो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 24, 26 इंपॉर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।